कल्लू की गर्लफ्रेंड ये। अरे कल्लू को ना इसको प्यास लग गई, देखो पी रहा है। सो है गाइस वेरी गुड मॉर्निंग और वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और अभी जस्ट सो के उठा, चलो बिस्तर उठाते हैं, ठंड लग रही। सबसे पहले तो स्वेटर पहन लेते हैं ना। तो चलो फाइनली गाइस मैंने स्वेटर वगैरह पहन लिया तो अच्छा लग रहा। और आज मैं से थोड़ी सी लेट जगा हूँ ना, और बाकी लोग तो सो रहे हैं, संदीप सूरज और वहाँ पर भाई, और अंदर पापा जी सो रहे हैं। मम्मी चली गई, मम्मी नाइट में चल जाती चार बजे। तो चलो भाई है ना, चलो बाय बाय घर, बाय बाय। अरे 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 चल बाय बाय चंदू, उसको चंदा चंदू कहते हैं गाइस। देखो गाइस सुबह का टाइम है ना, तो सूरज जस्ट अभी निकला है, तो कितना अच्छा लग रहा है ये। सुपर्ब। सो फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं खेत, और ये रहा मामा, मम्मी बन रही। मामा बहुत कम नहीं हो रहा मम्मी, कब भैंस खा दे कम ही होगा है ना मंजू जी। इतना ज़्यादा चिड़िया कहाँ खा रही है, चिड़िया खा रही केस का चमगादड़ मंजू भयंकर पहले नहीं खाते रहो है, पूरा भयंकर खा रहे हैं मैं ना। ऐसा है गाइस चमगादड़ खा रहे हैं मुआ को बहुत ज़्यादा है ना। चलो अब मेरे इधर चलता हूँ, अकेला पेड़ है उधर जाना पड़ता है। मम्मी और संजना आती तो इधर बिनते हैं वे लोग, और मुझे जाना पड़ता उधर, जाना पड़ रहा है। गाइस सुनो सुनो सुनो, आपको एक चीज़ नोटिस करा रहा हूँ, मैं अभी हूँ जंगल के जस्ट किनारे है ना, तो मैं मॉर्निंग में जब आवाज़ करता हूँ ना तो आवाज़ रिपीट आता है, तो मैं अभी चिल्लाऊँगा है ना, है ना। तो मतलब कि आवाज़ ना रिपीट आती, और आप जंगल के ऊपर चढ़ के पहाड़ी में चढ़ के जब चिल्लाओगे ना तो एक्सलेंट यार, मतलब वो आवाज़ ही अलग होती। अब जंगल के किनारे जब हम आते हैं ना तो देखो चिड़ियों की आवाज़ सुबह सुबह मॉर्निंग में, यार इतना अच्छा लगता है ना। तब से मैं मुँह बिनने आ रहा हूँ गाइस, ये चिड़िया ना सुबह सुबह दिल खुश कर देती हैं, सच बता रहा हूँ, बहुत अच्छा लगता है। ऐसा है गांव का ही मज़ा है, और गांव में सुकून है गाइस। शहर सिटी में तो मशीन तो गाड़ी मोटर पता नहीं कितने कई प्रकार की आवाज़ आते हैं ना, बट कहाँ चिड़ियों की आवाज़ का पता चलेगा। अगर होंगी तो बहुत कम पाई जाती हैं शहर सिटी में, क्योंकि पेड़ पौधे बहुत कम होते हैं ना गाइस, इस वजह से। देखो गाइस मैं जंगल में के किनारे पहुँच चुका हूँ, और आपको ना चिड़ियों की आवाज़ें सुनाता हूँ, सुनो। है ना गाइस सुनाना, कितना अच्छा लग रहा, बिल्कुल सुबह सुबह ना दिल खुश हो जाता है। तो चलो गाइस धूप होने वाली है, 8 बज गए है ना, इसलिए मैंने स्वेटर उतार दिया, और चलो अब मुँह बिल लेते हैं। बन गई तुम मेरी आपकी कृपा से। चलो गाइस तो मिलते हैं आपको महुआ बिनने के बाद, ठीक है, ऐसा महुआ बिना जाता ही। तो गाइस बिन के कंप्लीट भी हो चुका, और मम्मी लेके भी जाने लगी वो देखो। तो अब लास्ट वाला जितना भी गिरेगा ना तो वो मैं 11-12 बजे तक बिन के जाऊंगा, अब देखते हैं। बस दो ढुल्ली है ना, उतना गिरा था ढुल्ली, बहुत कम हो गया है, ये ढुल्ली बराबर गिरा था। तो चलो वेट कर लेते हैं, और मोबाइल में इल्ली कर लेती हूँ इल्ली। तो गाइस महुआ तो बिना गया, मम्मी लेके चली गई। तो चलो सौरभ जोशी का ब्लॉग देख लें, क्योंकि वो वृंदावन घूम रहे हैं ना, तो वो वाला ब्लॉग देखना। चलो गाइस, तो गाइस प्यास लग गई थी तो पानी तो हमने पी लिया। तो ये कल्लू को ना इसको प्यास लग गई, देखो पी रहा है, तो देखो अंडिया पिला रही, देखो यार कल्लू बहुत प्यास है, आदमी को मारेगा। पी ले पी ले पी ले, ये
क्योंकि टाइम हो गया ना गाइस, 10 बज गए हैं, तो भूख तो लग गई है वैसे, मगर वो डेली की आदत है ना 11-12 बजे खाने की। चला जा कर लू, आजा हाजी तेरा, हाँ आजा, वो जान लगी पानी पिया के, आजा चल आजा, है ना, मस्ती कर देते हैं। इसका नाम कल्लू है, ये तो हमारा घर का है, ये पता नहीं कहाँ की, इसकी इसकी धर्म पत्नी तो नहीं गाइस, इसने गर्लफ्रेंड बना ली, कल्लू की गर्लफ्रेंड ये। क्यों, क्या नाम है, चंपी 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 चंपी, नहीं और कुछ नाम है, मैं नहीं जानता, पता नहीं किस घर की है। कल्लू चला जा, बैठते हैं, अरे आई चिल मारते हैं, आजा जाने लगे गाइस, ये देखो वो देखो, मस्ती करने के इरादे में। चलो फाइनली गाइस बिन के कंप्लीट हो चुका है, और आज फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि इतना कम महुआ गिरा है ना, और आज 11 बजे से पहले ही गिर के कंप्लीट हो गया, क्योंकि महुआ बहुत कम होने लगे। मैं जब टप लेके आता था ना, दो दो टप भर जाता था, मगर आज एक टप भी नहीं भरा। मम्मी लेके चले गई और ये ढुल्ली तक नहीं भरी, है ना, तो चलो चलते हैं। चलो फाइनली गाइस तो पहुंच चुके घर, और देख रहे हैं घर की हालत, क्योंकि सभी लोग मॉर्निंग में उठ के चल जाते हैं, देख गाय बैल आके यहाँ पर गोबर रख के चल जा रहे हैं। अरे भैया ऐसी हो जा रही घर की हालत, ओ कोई नहीं रे, सब हर मर गई, बढ़िया। ओ भैया अंडा धर रही गाइस, इधर चल रही टीवी और मैं खा रहा हूँ खाना, दाल रोटी। एंड गाइस टीवी चीज चोरी हो गई, देख लो अभी कोई नहीं है, प्यास लगी रे भैया, पानी। तो गाइस ये रहा हमारा घर का महुआ, इतना महुआ है पूरा सीजन का, देख लो महुआ दो कलर के दिख रहे हैं ना, यहाँ से थोड़ा अलग है यहाँ से अलग, इसलिए कि ये पानी लग गया है। और अभी अभी हम सो के उठे हैं गाइस, लगभग 3 बज गए, और ये इमली पड़ी है और टीवी गोली हो गई। हाँ नहीं नहीं निखाया ना, टीवी गोल हो गए, वो ले गए पता नहीं कौन ले, बाद में पता चलेगा। तो गाइस अभी हम बस्ती तरफ घूमने जा रहे थे, घर में रह रहे के बोर हो जाते, घर पे रहते तो नींद ही आती है, और आजकल गर्मी का समय चल रहा ना, नींद तो आती है, तो थोड़ा बहुत तो सोना ही पड़ता है, आदत सी लग गई है, हफ्ते भर से कंटिन्यू सो रहा हूँ मैं तो। नहीं तो तुम्हें कर, तुम आ जाओ, तुम्हें थोड़ा कच्ची कर। तो गाइस अभी हम खेलने जा रहे हैं वॉलीबॉल, और अभी क्या है समथिंग 5 बजे हैं, तो चलो वॉलीबॉल खेलते हैं। बहुत दिन हो गए वॉलीबॉल भी नहीं खेल, क्योंकि फूट गया था ना गाइस, ये दूसरा खरीद के लेके आ रहे हैं। ये रहा हमारा ग्राउंड वॉलीबॉल ग्राउंड, तो चलो भाई खेल लेते हैं जी। अब जाके खेल के आए वॉलीबॉल इतनी नाइट को, तो मैं तो थक गया हूँ, आराम करता हूँ, है ना, उसके बाद मिलेंगे। तो गाइस खाना पीना हो चुका है, और मेरा पेट ना बहुत ज़्यादा पेन कर रहा है, दर्द कर रहा है वो थोड़ा सा, है ना। वो दीदी लोग चिकन लेके आ गए थे, तो तेल इतना डाल रहे थे ना, तो वो दो चक्कर अभी मैं डब्बा जाके आया हूँ, तो बहुत ज़्यादा पेन कर रहा है, दस्त भी लग गई है, तो बहुत ज़्यादा मतलब कि बहुत ज़्यादा पेट दर्द कर रहा है। तो चलिए इस ब्लॉग को क्लोज करेंगे, तो आई होप कि आज का ब्लॉग पसंद है, तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, और आप भी ध्यान रखें गाइस, चलो।